नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्राकर स्वागत करता हूँ का फ्लाहा एकेडमी भोपाल में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका समास, क्लास 9th और 10th के लिए समास चैप्टर जो है हम इसको समझेंगे, जो कि आपका NCERT बुक में है। तो क्या है समास परिचय, है ना। समास परिचय में सबसे पहले आपको क्या दिया है कि सम सनम इति समास है। मतलब क्या है कि जो सम सनम, मतलब कि जब, अब इसको समझना बहुत सिंपल है। इन्होंने कहा है कि समास का अर्थ है संक्षेपण। अब क्या ये भी एक बहुत टफ वर्ड हो गया। संक्षेपण मतलब कुछ नहीं होता कि संयोग हो जाना, समान पद आपस में जुड़ जाना। एक प्रकार देखा जाए तो इसमें लिखा है कि दो या दो से अधिक पदों के प्रयोग में प्रयुक्त विभक्तियां समुच्चय बोधक चा, मतलब जनरली चा जुड़ा रहता है, को हटाकर एक पद बनाते हैं तो उसको समास कहते हैं। समास सिंपल सी भाषा में कहें तो दो या दो से अधिक, यहां पर पद की बात हुई। पद मतलब होता है शब्द। क्या होता है पद का मतलब? शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं आपके, वो समास कहलाता है। अब जैसे क्या, मैं आपको समझाऊं, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि, मतलब हिंदी में पढ़ा होगा आपने, अनेक शब्दों के एक शब्द, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं वन वर्ड, कि जैसे बहुत सारे शब्दों का एक, उनका बहुत सारे शब्द ना कह के हमें एक शब्द कहना हो। जैसे गाने की, गाने में कुशलता तो गायन कुशलता कह दिया, राज पुरुष मतलब राज पुरुष कह दिया। तो ऐसे यहाँ पर क्या दिया, सीता चा रामश्च, राम चा का मतलब और होता है, मैं आपको बता दूँ चा का मतलब क्या होता है, चा का मतलब और होता है हिंदी में ना। तो रामश्च श्यामश्च मतलब सीता, जैसे सीता चा रामश्च, इसका मतलब राम सीता और राम, तो इसको रामऊ सीता रामऊ कर दिया। तो बस घुमा फिरा के यहाँ पर कुछ नहीं, हमें चीज़ों को, शब्दों को जोड़ना है और कुछ विभक्तियों का लोप करना है, क्योंकि विभक्तियाँ रहती हैं हर चीज़ में। अब वो क्या है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर कुछ समझने लायक बात है कि पदों की, ध्यान से देखिएगा, पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास होता है वो चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कभी भी ध्यान रखना, पदों की प्रधानता की बात आए, पदों की प्रधानता की बात आए तो जो समास होते हैं वो चार भेद होते हैं उसके। कितने भेद होते हैं, चार। अगर, और अगर वो कहें कि सामान्य रूप से छह भेद होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा वो चार भेद क्या हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद समास और बहुव्रीहि समास। और इसके बाद तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, ध्यान रखना उपभेद कह रहे हैं यहाँ पर, भेद नहीं कह रहे हैं। तो आपके जो तत्पुरुष समास, उसके दो उपभेद होते हैं, एक को कर्मधारय समास और एक को दिग्गु समास कहते हैं। जनरली इनको लोग अलग से समास ही पढ़ते हैं, कर्मधारय समास और दिग्गु समास, बट कहा जाए तो ये एक्चुअली तत्पुरुष के दो उपभेद हैं, उपभेद, भेद नहीं है, उपभेद है। तो ये भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि तत्पुरुष के अलग से भेद होते हैं और उपभेद दो होते हैं। तो तत्पुरुष के जो भेद होते हैं वो छह होते हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी से लेकर सप्तमी तक, लेकिन उपभेद आपके दो होते हैं, कर्मधारय और दिग्गु। तो ध्यान रखिएगा, अब चालू करते हैं हम। पहला जो भेद है वो है अव्ययी भाव, नाम से प्रूफ हो रहा है अवयव। तो अगर मान लीजिए कि जो जिसका पद, जहाँ पर किसकी बात हो, पदों की प्रधानता, तो हम यहाँ पर पद की बात कर रहे हैं, शब्द की बात कर रहे हैं, तो इस समास में जो पहला पद होता है वो क्या होता है, अवयव होता है। तो यहाँ पर अवयव पहले पद की प्रधानता है जो कि अवयव है, इस वजह से समास को क्या कहते हैं, अवयव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखेंगे यथाशक्ति, तो ये जो यथा शब्द है ये अवयव है, तो इसका मतलब होगा इसका समास विग्रह क्या होगा, शक्तिम अनितिक्रियम, मतलब कि शक्ति के अनुसार। निर्विघ्न, तो आप देखेंगे नी जो है, नी शब्द वो है आपका अवयव है, तो इसका हो जाएगा विघ्नानाम अभाव, मतलब कि आपको कह देंगे विघ्नों का अभाव, विघ्नहीन। अनुरूपम, जैसे अनुरूपम, तो आप देख सकते हैं अनु, आप उपगम्यम में देखेंगे उप, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें अवयव होते हैं। प्रत्येकम, तो यहाँ पर प्र आपका प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, प्रतिग्रम, तो ध्यान से देखेंगे तो सब में क्या आ रहा है, आपका अव्यय आ रहा है, इसलिए अव्ययी भाव समास है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। अब आते हैं तत्पुरुष समास पे, कहाँ आते हैं, तत्पुरुष, नाम से ही तत्पुरुष समास बेसिकली देखा जाता है, आपकी जितनी भी विभक्तियाँ होती हैं बस वो ही है। इस समास में प्रायण उत्तर पद की प्रधान, उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें दोनों ही पदों में, ध्यान से देखें, दोनों ही पदों में या तो विभक्तियाँ अलग अलग हो सकती हैं या कहीं कहीं एक समान विभक्ति भी होती है। तो ऐसे में, अगर ऐसी स्थिति में जो पूर्व पद की, पहले पद की, जो उत्तर पद मतलब दूसरा पद होता है और पूर्व पद मतलब पहला पद होता है, तो जैसे ये आपका पूर्व पद है और ये आपका उत्तर पद है, तो इसमें क्या होगा, विभक्ति का लोप करके समस्त पद बना दिया जाता है। इसमें ध्यान से देखें, द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का लोप करके समस्त पद बनाए जाते हैं, इसलिए इसको द्वितीय विभक्ति, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी षष्ठी और सप्तमी और एक नच तत्व, नच समझ ही रहे होंगे आप, नच ना, जिसमें ना आता हो, तो नच तत्पुरुष, इतने इसके भेद होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा,
शरणम आगता, तो यहाँ पर आप देखेंगे शरणम तो ये द्वितीय विभक्ति है, तो शरणागत है। आप देखेंगे माँ का लोप हो गया, मतलब जो द्वितीय विभक्ति उसका लोप हो गया सिर्फ शरणागत, इस वजह से ये क्या हो गया द्वितीय तत्पुरुष हो गया। तृतीय तत्पुरुष में आप देखेंगे सर्पेण दष्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऋण 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 तृतीय विभक्ति में ऋण आता है ऋण, तो यहाँ पर ऋण का हो जाएगा सर्प दष्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि तृतीय विभक्ति का लोप हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर चतुर्थ विभक्ति का लोप होगा, इसमें भूता है दाना है पात्र आय, देखो यही होता है ना अम ऐण या में फोर्थ विभक्ति है भूताय, तो भूताय वाली तो भूत बली या हट गया। ये प्रथम जो पूर्व पद पता है ना, पहला पद को पूर्व पद कहते हैं, द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद की प्रधानता इसलिए इसको हटाते नहीं है, पूर्व पद को हटा देते हैं, पूर्व पद में भी किसको विभक्ति को हटाते हैं ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरीके से पंचमी में देखो क्या बोला था मैंने, अम या अम अम एड़ यात यात, तो ता जहाँ आता वो पंचमी विभक्ति होती है, तो देखेंगे चोरात वयम तो चोर वयम होगा, ता हटा दिया, क्यों क्योंकि पूर्व पद से विभक्ति का लोप हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, बस विभक्ति हटाना है और सीधा सीधा लिख देना है चोर वयम। रोगात मुक्त तो रोग मुक्त हो गया, ऐसे ही षष्ठी विभक्ति में राम नाम तो या देवानाम तो देव, बस हटा दो इसको बन गया देवपति, नरनामपति तो नरपति, देवश्य पूजा श्य हट जाएगा देव पूजा हो जाएगा। उसी तरीके सप्तमी विभक्ति में सप्तमी विभक्ति देखो जले तो जल अकेला हो जाएगा। अब उसी तरीके से नच, नच में यहाँ पर ना आता हो, कहाँ आता हो इस पे ना आता हो, तो ना धार्मिक है तो अधार्मिक कर दिया, ना सुखम तो असुखम कर दिया। इस प्रकार से ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। अब आते हैं तत्पुरुष समास के भी दो भेद, जो जिस प्रकार से मैंने इनको उपभेद कहते हैं, तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, ध्यान रखिएगा भेद और उपभेद में फर्क है। तत्पुरुष इसमें पहला जो है समानाधिकरण, तत्पुरुष समानाधिकरण अधिकरण, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अधिकरण है, अधिकरण तो कर्मधारय समास है और एक दिग्गू समास है। तो कर्मधार समास में क्या होता है, कर्मधार समास में दोनों ही पदों विभक्ति समान होती है, जिस प्रकार की तत्पुरुष समास की डेफिनेशन में यह था कि कई पदों में सेम विभक्ति होती, जैसे आप देख सकते हैं जितने भी सप्तमी द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी थे इनमें कोई सेम विभक्ति नहीं थी, एक पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति या पंचमी या सेकंड या दो भी विभक्ति थी, इसके बाद में दूसरे वाले पद में अलग विभक्ति थी, लेकिन कर्मधार समास में यह होता है कि दोनों ही विभक्ति में एक समान होती है। अब इस कर्मधार समास के तीन रूप होते हैं, किस तरीके से कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद मतलब जो पहला पद, दो पद होंगे तो पहला पद को बोलेंगे पूर्व और दूसरे पद को बोलेंगे उत्तर, है ना, तो पहले पद को जो विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, और कभी पूर्व पद उपमेय हो उपमान होगा भाई उपमेय, अभी उपमेय उपमान का ये सब समझा दूं मैं एग्जाम्पल का, और कभी कभी दोनों ही पद विशेषण होते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है नीलम उत्पलम, तो नीलम और उत्पलम दोनों में ही द्वितीय विभक्ति है, तो ध्यान से देखेंगे कि सेम विभक्ति है तो इसलिए इसमें कर्मधारय समास है, तो यहाँ पर एक विशेषण है और एक विशेष्य है, मतलब कि नीला उत्पलम नीलोत्पलम, तो यहाँ पर पहला वाला विशेषण है दूसरा विशेष्य है, विशाल है वृक्ष है, तो देखेंगे यहाँ पर इसमें भी आपका प्रथम विभक्ति इसमें भी प्रथम विभक्ति है, तो विशाल वृक्ष तो विशाल वृक्ष है। आपको पता है कि हमेशा जो विभक्ति का लोप होता है वो प्रथम पद से होता है, द्वितीय पद से नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखिएगा समास में, कभी भी समास बनाना आंखें बंद करके बना देना, प्रथम जो पद है पहला पद है पूर्व पद है उससे आप विभक्ति को निपटा दो, द्वितीय पद को सेम टू सेम लिख दो। तो जैसे आप विशेषण क्या होता है, विशेषण हमेशा क्या होता है विशेषता बताता है, क्या बताता है वो विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष, तो विशाल है वृक्ष, तो विशाल वृक्ष जो है बहुत विशाल हैगा, इस तरह ये विशाल उसकी विशेषता है और वृक्ष उसकी जिसकी बात हो रही, मधुरम फलम ये उसकी विशेषता है कि मधुर है कौन है फल है ज्येष्ठ पुत्र, समझ गए। इसी तरीके से अब उपमेय में उपमान, उपमेय में उपमान मतलब तुलना होती, क्या होती है यहाँ पर तुलना, यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं उनकी बढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं उपमेय में उपमान, जैसे उनने कह दिया कि घन एव श्याम, घन ही श्याम है घन श्याम। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे क्या डिफरेंस, यहाँ पे कमलम एव मुखम तो कमल मुखम, तो यहाँ पर एव मेव से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने एव में बोला है मतलब हमने तुलना करी है कि कमल के समान मुख, कमल के समान, तो उपमान कौन होता है, उपमान जो होता है जिसकी मतलब जिसको लिया गया है और उपमेय जिसमें तुलना हो रही है, नर सिंह एव, नर और सिंह है, तो नर और नर ही सिंह है मतलब सिंह ही नर है, तो यहाँ पर नर मतलब इंसान और सिंह मतलब इंसान की उसकी बात हो रही है शेर की, तो ये हटा दिया जाएगा बिल्कुल सिंपल। अब इसमें तो उभय पद और विशेषण आ जाएगा, अब यहाँ पर मतलब वही बात है दोनों सेम ही होंगे, रक्तस्य पीत है तो रक्तपीत, शीतस्य चौण शीतोष्ण है। अब ये जो मैंने जो बनाए हैं ना ये जो एग्जाम्पल है कमलम ए मुखम चंद्र ए मुखम, ये आपके बहुव्रीहि के भी हो सकते हैं, कैसे होते मैं आगे समझाऊंगा। दिग्गु समास इसको याद रखना बहुत सिंपल है, जहाँ भी आपको संख्या दिख जाए
यहाँ भी आपको नंबर दिख जाए, जहाँ भी आपको नंबर दिख जाए, संख्या दिख जाए, समझ लो कि कौन सा, आंखें बंद करके दिग्गु समास लगा देना, लेकिन ध्यान रखना कि वो बहुव्रीहि भी हो सकता है। वो कैसे होगा मैं आगे समझाऊंगा। कर्मधार समास में पूर्व पद मतलब कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, जैसे सप्तानाम, पंचानाम, तृणानाम, बस और कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पर। देखेंगे सप्तानाम दिनानाम समार है, सात दिनों का समूह सप्त दिनम, पंचनाम पत्रनाम समार है पंचपात्रम, त्रिणाम भवनाम समार है त्रिभुवनम, मतलब तीन भवनों का समा समूह जो है त्रिभुवन, पांच पात्रों का समूह पंचपात्रम, पांच सात दिनों का समूह सप्त दिनम, है ना। तो आप बिल्कुल सिंपल है, पंचनाम रात्रनाम समार है पंचरात्रम चतुर्नाम, ये तो ध्यान रखें। इसमें लिखा है कभी कभी दिग्गु इकारांत स्त्रीलिंग भी हो जाता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ, तो उसमें आप समझ लीजिएगा कि त्रि पंच और सप्त अष्टाई कहाँ से होगा, मतलब गिनती है मैंने बताया, गिनती हम समझ जाएंगे। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को समझने का मतलब सीधा जहाँ पर चा शब्द दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, चा, चा जहाँ भी दिख गया वो द्वंद्व है। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते, ध्यान रखना दोनों ही पद प्रधान है, जैसे पार्वती परमेश्वरश्चा, मतलब कि पार्वती और परमेश्वर दोनों, और रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षम, धर्म और अर्थ और कामश और मोक्ष, तो धर्मार्थ काम सब चाचा हट गया सबसे। पुत्रश्च कन्याश्च चा, तो क्या हो जाएगा, पुत्रश्च कन्याश्च कन्या चा, तो पुत्र कन्या। ध्यान रखना कि सिर्फ पूर्व पद से ही आपका लोप होता है, बाकी के पद से लोप करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपका औ औ औ औ आ जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। अब आते हैं समाहार द्वंद्व। देखिएगा मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, आप सब यहाँ पर सब जगह देखेंगे चा आपको दिख ही रहा है, तो ये समाहार द्वंद्व और ये आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में आपको समझाता हूँ, आखिरी समास बचता है हमारा, और ये पहले तो समझा दूँ, जिस समास से पूर्व और उत्तर मतलब पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान ना होगा, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर पद की प्रधानता तो है लेकिन पहले और दूसरे ने किसी और की है। अब कैसे मैं समझाता हूँ और कैसे ये कर्मधारय से अलग होता है। जैसे लिखा है महानता वाहु यश्चा, मतलब मानता वह यश चा, हमेशा ध्यान रखना जब भी संस्कृत में आपका बहुव्रीहि समास होगा तो यश शाह जरूर आएगा, यश शाह यश शाह यश शाह यश शाह यश शाह, मतलब इसका मतलब होता है अर्थात, हिंदी में आता है अर्थात, अर्थात मतलब इसका मतलब, जैसे दस आननी यश शाह, जिसके दस सर हैं। अब आप दस देख रहे होंगे तो आपने कहे तो दिग्गु समास है यहाँ पे, तो जो तुरंत आ गया नंबर आ गया नंबर, नहीं यहाँ पर यश शाह लिखा है मतलब अर्थात दशानन, तो यहाँ पर दशानन की बात हो रही है, तो जब भी कहते हैं अर्थात यश शाह मतलब वो आपका कौन सा है, वो आपका बहुव्रीहि समास है। जैसे कह सकते हैं आपके चतवारी मुखानी यश, जिसके चार मुख हैं, चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा अर्थात यश शाह, तो यही आपका, तो ध्यान रखना कि दिग्गु समास और आपका जो कर्मधारय समास है ये आपका बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, लेकिन बहुव्रीहि समास कब होगा, जब उसमें अन्य पद की प्रधानता हो, जैसे अर्थात लिखा हो यस्य सा लिखा हो, तो जहाँ पर भी यस्य सा लिखा है ध्यान रखिएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना यश शाह अर्थात की किसी तीसरे की बात हो रही है तो वो आपका बहुव्रीहि समास, और तीसरे की बात नहीं हो रही है तो इस तरह के जो हैं महानता वह यहाँ पर तुलना हो रही है, या फिर मान लो उपमेय में उपमान है, या फिर विशेषण विशेष है, तो वो आपका कौन हो जाएगा, आपका कर्मधार हो जाएगा, और अगर नंबर है तो दिग्गु समास हो जाएगा। एक और दिया है एक शेष है जहाँ अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचता है उसको एक शेष, मतलब कि यहाँ सब सब पद को हटा के सिर्फ एक पद बचा, माता चा पिता चा सिर्फ पितरऊ लिखा है, दुहिता चा पुत्र सिर्फ पुत्रऊ लिखा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, वो सिर्फ जैसे बालकश्य 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 तो बालका, तो सिर्फ एक पद बचा है, क्या पद बचा है, सिर्फ एक, तो एक शेष है होता है, इसलिए एक शेष बच रहा है, एक ही रिमेनिंग है, इस वजह से उसको एक शेष है समास कहा जाता है। तो उपयोगी आपको ये समास समझ में आ गए होंगे, और ये 9th और 10th क्लास के लिए काफ़ी उपयोगी है, पेपर में भी आते हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज करें, वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कॉमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए वीडियो, और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कैरिंग ही शेयरिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।